होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। क्या मेरी साउंड मिल रही है आप सभी को? क्या मेरी साउंड मिल रही है आप सभी को? एवरीवन, एग्ज़ाम सीट आ चुका है, जल्दी से लाइव हो जाइए। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो हो चुका है, एग्ज़ाम सीट आ चुका है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि 13-14 तक आने वाला है। आप लोग सुनते हो बात को नहीं, लेकिन उसके बाद अपना डिसीजन सुनाने लगते हो। देखो आ गया, लाइव चल रहा है, ये एग्ज़ाम सीट आपका आ गया है। टोटल का टोटल डेट आ चुका है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता फिर डालता तो उसमें बहुत डिले होता, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट इसको लाइव कर दिया है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जल्दी से शेयर कर लीजिए, आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, फाइनली इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है, और कुछ ही पलों में आपका एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये आ चुका है, एनटीए ने जारी कर दिया एग्ज़ाम सीट, और यहाँ पे कह दिया है कि 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 29, 29 और 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम था उसका आपका वो डेट सीट आ चुका है, और साथ ही 1, 3, 4 और 5 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसका भी डेट सीट आ चुका है। तमाम डेट सीट के बारे में बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का किस दिन है, कब होने वाला है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जुड़ चुके हैं, क्या आप जुड़ चुके हैं? यस, कौन सा सब्जेक्ट है आप सभी का, कौन सा सब्जेक्ट है? तो पहले हम देखना शुरू करते हैं, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। यहाँ पे देखो, डे वन, पहला दिन जिनका एग्ज़ाम है 20/11/2021 को, उनका सब्जेक्ट कोड है 46, एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो कोड है आपका 49, अरब कल्चर और इस्लामिक स्टेट स्टडीज़, इसका एग्ज़ाम है आपका 20 नवंबर को। एग्ज़ाम लगभग आप देख लीजिए तो बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं 20 नवंबर को। फिर सेकेंड शिफ्ट 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 21 नवंबर 2021 को जो एग्ज़ाम होगा उस दिन होने वाला है लॉ, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद परफॉर्मेंस आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, ये है 21 को। 20 तारीख में हम देख लेते हैं पॉलिटी, देखिए पॉलिटी है आपका 21 को, पॉलिटी का जो एग्ज़ाम है 21 को होने वाला है, और रिलेशनशिप, इंटरनेशनल स्टडीज़, ये सब 21 को है। उसके बाद 83 में आप देख रहे होंगे पाली भाषा, 34 में आपने नेपाली भाषा का, इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे। तो चलिए हम एक एक करके अब बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है एवरीवन। अब हम एक एक करके यहाँ से देखना शुरू करते हैं, एक एक फोल्डर को अब शुरू करते हैं देखना यहाँ से, ठीक है। आर यू रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए अब देखते हैं। देखिए कोड नंबर 35 शिफ्ट वन, ठीक है। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम आप लोगों का होगा, तो शिफ्ट वन में ये एग्ज़ामिनेशन है, ये शिफ्ट वन में एग्ज़ामिनेशन है, और शिफ्ट वन में जो एग्ज़ामिनेशन आपका होने वाला है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखते जाइए आप लोग कि ये राजस्थानी हो गया, सिंधी हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्कोलॉजिकल हो गया, आर्कोलॉजी हो गया, ये सब बुद्धिस्ट, जैन, गांधीन, पीस, ये सब का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड शिफ्ट में होगा। पहले शिफ्ट में आपका जो होने वाला है वो मैथिली, मैनपुरी, मणिपुरी, इन सब का होने वाला है। और इसमें कोई ज़्यादा ये सब्जेक्ट है नहीं कि मैं बात करूँ, क्योंकि जो अधिकांशतः बच्चे हैं वो हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, देखिए वो सेकेंड शिफ्ट में यहाँ से फिलोसफी हो गया, नेपाली हो गया, लेकिन डे सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, और डे सेकेंड में ज़्यादा पेपर नहीं होने वाला है, दो शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में दो ही एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें लॉ है और साइकोलॉजी है, लॉ है और साइकोलॉजी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 37 और 38 में। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, ये है आपका सेकेंड शिफ्ट में 21 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद है डे थ्री तीसरे दिन पे हम आ रहे हैं 22/11/2021 को, अगेन कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि डे थर्ड में भी लगभग 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रुप वन का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद संथाली का एग्ज़ाम होगा आपका 22 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद योगा का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ही शिफ्ट में होगा, ठीक है, और ये होगा 22 नवंबर को, ठीक है। और 22 नवंबर को ही आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सेकेंड का होगा, ठीक है, और ये शिफ्ट सेकेंड में होगा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम आपका होगा
शिफ्ट सेकेंड में होगा, वो मैन स्टडीज़ का शिफ्ट सेकेंड में होगा और 22 नवंबर को है। क्या आप ये सब देख पा रहे हैं? डे फोर्थ में अब आ चुके हैं। डे फोर्थ में आप सब्जेक्ट कोड 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन अप एग्जामिनेशन का डेट यहां से शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं देखा है, ज्योग्राफी नहीं देखा है। क्या आप लोगों को मेरा साउंड मिल रहा है? एवरीवन एक बार आप कंफर्म करेंगे क्या आप लोगों को मेरा साउंड मिल रहा है? साउंड मिल रहा है क्या? आप अभी हम एक एक सब्जेक्ट का देखेंगे कि हिंदी का कब है, सभी सब्जेक्ट का हम देखने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस, सोशियोलॉजी का कब है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके देख रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक हमने देख लिया था। इकोनॉमी डे फोर्थ की, अब फोर्थ डे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फोर्थ डे में आप देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमी का है, रूरल इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट में है 24 नवंबर को एग्ज़ाम। फिर आपका लाइब्रेरी हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, ये सेकेंड शिफ्ट में होगा। मैथिली अगेन ये सेकेंड शिफ्ट में होगा 24 नवंबर को। पंजाबी ये सेकेंड शिफ्ट में होगा। संस्कृत ट्रेडिशनल का एग्ज़ाम भी आपका सेकेंड शिफ्ट। उर्दू का आपका एग्ज़ाम 24 नवंबर को ही होगा, सेकेंड में होगा। अब डे 5 में आ गए हैं, 25 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है कॉमर्स का होगा। उसके बाद म्यूज़िक का होगा, फिर कॉमर्स ग्रुप सेकेंड का होगा, और वर्चुअल आर्ट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 25 नवंबर को शिफ्ट सेकेंड में होगा। अभी तक नहीं हिस्ट्री कॉमर्स, अब यहाँ से कॉमर्स का शुरू हो रहा है। एवरीवन कॉमर्स का यहाँ पे देख लीजिए, कॉमर्स का 2 है, तो पहला आपका कॉमर्स का जो पहला जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, तो पहला होगा डे 5। ठीक है, और ये आपका होने वाला है कॉमर्स का 25 नवंबर को। 25 नवंबर को कॉमर्स का दूसरा पेपर, 2 पेपर है। फिर 26 नवंबर को कॉमर्स का तीसरा पेपर है। कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस का 26 नवंबर को एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में, और तमिल का एग्जामिनेशन जो है वो 26 नवंबर को है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म डालते हैं, ठीक है, अब उसका फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो हिस्ट्री ग्रुप 1 का, हिस्ट्री ग्रुप 1 का जो एग्ज़ाम है 29 नवंबर 2021 को होगा फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो 29 नवंबर को होगा फर्स्ट शिफ्ट में। और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का एग्ज़ाम होगा 29 नवंबर को ही होगा, और ये होगा सेकेंड शिफ्ट में। और हिस्ट्री ग्रुप सेकेंड का जो एग्ज़ाम होगा ये सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा एग्ज़ाम, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हिस्ट्री का 2 ग्रुप में एग्ज़ाम होगा, पहले ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में आपका दो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो 29 को होगा, ठीक है, और ये 29/11 को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं डे 8, 8वें डे पे आ चुके हैं, और इसमें है मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग जो भी है इत्यादि, इसी आप कर सकते हैं। ये 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, और 30 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जो सब्जेक्ट कोड है 17। ठीक है, सब्जेक्ट कोड 17 है, सिर्फ इसका एग्ज़ाम होगा आपको सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट में होगा। 30 नवंबर को ही इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट कोड आप देखिए, सब्जेक्ट कोड आपका हो जाएगा 30-30, और ये 2 ग्रुप में एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और ये एग्जामिनेशन होगा आपका 1 दिसंबर 2021 को। 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा, डे 9 नौवें डे पे आ चुके हैं, और 1 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश का होगा। सिर्फ सेकेंड शिफ्ट दोनों कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब 10 डेज पे हम आ चुके हैं, डे 10 पे आ चुके हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। ठीक है, यहाँ पे देखते जाइए, चार पेपर होगा शिफ्ट 1 में, और 3 पेपर आपका होगा शिफ्ट सेकेंड में, और 10वें दिन पे है जिसमें आपका एजुकेशन, कश्मीरी रशियन एजुकेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस और सोशल मेडिकल एंड कम्युनिटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 3/12/2021 को होगा। उसके बाद जो है 4/12/2021 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें असामीज हो गया, बोडो हो गया। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट है, एक असामी है, एक बोडो है। तो जो असामी लैंग्वेज से दे रहे हैं, जो बोडो लैंग्वेज से दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम 4 दिसंबर को है। ठीक है, 5 दिसंबर में हम आ चुके हैं, और इसमें है ओडिया, तेलुगु, ठीक है, सोशल वर्क, ये सब है आपका 5 दिसंबर को। तो ये आपने तमाम चीज़ें यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट छूट गया है अब ये आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना शुरू कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका छूट गया। पॉलिटिकल साइंस का मैंने बताया है। एक बार और मैं आप सभी को दिखा दूं। ज्योग्राफी हिंदी कट गया है, अच्छा
सोशियोलॉजी का नहीं है, इसमें मैं एक बार और आप सभी को दिखाता हूँ कि कितने सब्जेक्ट का अभी दिया गया है। देखिए ये फाइनल इसका आज NTA ने जो अपडेट किया है 13/11/2021 को, वो PDF है जो अनस्टॉल आईएएस एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डेट है, सब्जेक्ट है, शिफ्ट है, ठीक है। इसमें हम जहाँ तक देख पा रहे हैं जर्मन है, इंडियन कल्चर है, यहाँ इसमें हमें कहीं जियोग्राफी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पहले हम जियोग्राफी देख लेते हैं कि जियोग्राफी कहाँ पे है, तो जियोग्राफी का एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे अभी हमें दिखाई नहीं दिया है। फिर उसके बाद फ्रेंच है, मास कम्युनिकेशन है, फिलॉसफी है, देखिए पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो IR आपका होता है, ये वाला जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 20 नवंबर को होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटी से जो बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, इंटरनेशनल स्टडीज़ हो गया, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, उसका जो है 20 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। लॉ है, एनवायरमेंटल साइंस है और फिजिकल एजुकेशन है। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम 22 नवंबर को होगा। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम 22 नवंबर को होगा, दो शिफ्ट में होने वाला। पहला शिफ्ट 22 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में होगा और 22 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का भी होने वाला है। अभी तक हमें जियोग्राफी नहीं मिला है, तो हम जियोग्राफी भी इसमें खोल करके निकालते हैं कि भैया जियोग्राफी कहाँ छुपे हो तुम। एवरीवन हिस्ट्री का मैंने बता दिया है, जियोग्राफी का हम देख रहे हैं, होम साइंस का भी देख रहे हैं, ठीक है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। सोशियोलॉजी का अभी हम देखने वाले हैं, किनका किनका छूट गया ये बताइए पहले, किनको ऐसा लग रहा है। देखिए इकोनॉमी का आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को है, इकोनॉमी का आपका एग्ज़ाम 24 नवंबर को है। एजुकेशन का कब है, एजुकेशन का अभी हमने बताया था, लेकिन फिर से आप अगेन एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वैसे मैं इसमें देख रहा हूँ, मुझे अभी तक इसमें देखिए हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है 29 नवंबर को है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका 29 नवंबर को है। जियोग्राफी हिस्ट्री आपका 29 नवंबर को है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री दो शिफ्ट में होने वाला है, 29 नवंबर को हिस्ट्री होने वाला है। जियोग्राफी में देख रहा हूँ, जियोग्राफी कहाँ गया भैया, जियोग्राफी तुम कहाँ छुपे बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा डिमांड बहुत है बच्चों के बीच में, जियोग्राफी तुम हो कहाँ, तो जियोग्राफी भैया मिल नहीं रहे हैं। तो जियोग्राफी का ये मतलब कि मुझे लग रहा है कि आधा अधूरा इसमें लिस्ट जारी किया गया है, ना क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप सभी एग्री करते हो। पॉलिटिकल साइंस का मैंने बता दिया है आदिल जी, होम साइंस का तो मैंने देखा है। देखिए मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही लाइव जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, मतलब कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ यहाँ पे, ठीक है, आउट ऑफ सिटी हूँ, लेकिन भैया मतलब कि वीडियो छूटेगा नहीं, इस पर टीम लगातार वर्क कर रही है। देखिए मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से लाइव आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसके लिए अब मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। फिर अब जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देखिए ज्योग्राफी का तो मुझे एक बार नहीं दिख रहा है, वैसे मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ज्योग्राफी का तो मुझे वैसे दिख नहीं रहा है। बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है क्या, देखिए मैं अब सोर्स का मुझे अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम सोर्स से लाते हो, सोर्स तो तुम्हारे, देखिए सोर्स का मैंने इस्तेमाल किया, कल मैं परसों मैं NTA में गया था और वहाँ से बातचीत हुई है मेरी टीम की, देन हमने ये वीडियो कल कवर किया था, जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी हैं, और डिसलाइक का तो बहुत छाड़ हुआ है उस पर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सब लोग फ्रस्ट्रेशन अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी पे यहाँ करके उतार दिए, पता नहीं क्यों, किस बात की दुश्मनी है भैया, बता दो हमें भी जान ले, आज लाइव ही आ चुके हैं, ठीक है। अब एक मिनट आप लोग कमेंट थोड़ा बंद कीजिएगा, मैं पहले 2-3 सब्जेक्ट देखता हूँ। पहले मैं देखता हूँ पॉलिटिकल साइंस का मैंने देख लिया है, जियोग्राफी नहीं मिल रहा, जियोग्राफी कहाँ गया है यार, इसमें होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं इसमें जियोग्राफी नहीं है, हिस्ट्री का तो दिख चुका है मुझे। एक सेकेंड के लिए आप लोग अपना कमेंट प्लीज़ पॉज कीजिए थोड़ा सा, कॉमर्स है ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफी कहाँ गया, जियोग्राफी संस्कृत है, मैथिली है, इकोनॉमी है, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का आपका 22 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है आपका 21 नवंबर को होने वाला है, ठीक है, और भैया मिल जा कहाँ हो तुम्हारा बहुत डिमांड है भैया,
इसमें दिख नहीं रहा। अब हम आ चुके हैं 20 नवंबर पे और आज ही से एग्ज़ाम शुरू, और मतलब 20 नवंबर मीन्स आज ही से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और इसमें जियोग्राफी नहीं दिख रहा यार, जियोग्राफी कहीं नहीं दिख रहा। इंडियन कल्चर है इसमें, संस्कृत है। अब देखिए, अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या दो दो PDF आया है या एक ही PDF आया है। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब बस एक सेकेंड का आप लोग टाइम दीजिए, एक सेकेंड का आप लोग टाइम दीजिए मुझे, ठीक है। एक सेकेंड का आप टाइम दीजिए। ये रहा NTA का ऑफिशियल वेबसाइट। ये हम आ चुके हैं NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे पहले मुझे देखने दीजिए कि कितने PDF इन लोगों ने भेजा है, कितने PDF पहले आए हैं। पहले एक बार ये रिचेक करने दीजिए, PDF कितना आया है। तो PDF सिर्फ और सिर्फ एक आया है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 13/11/2021, सिर्फ एक आया हुआ है। हिंदी का मैंने साथ बताया, होम साइंस का, HRM का। यहाँ से फिर से डाउनलोड करते हैं PDF अगेन, ठीक है, और इसे हम ओपन करते हैं। ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ छुप के बैठा है, ठीक है। यहाँ पे वो अभी तक मुझे जियोग्राफी नहीं दिखा है, और कौन सा, हिंदी का, जियोग्राफी का, सोशोलॉजी का, होम साइंस का, कन्नडा, बंगाली। देखिए ये सारा एग्ज़ाम जो आपका जो है, ठीक है, ये आपका 20 नवंबर को होने वाला है। ये सारा एग्ज़ाम जो आपका, जो भी लैंग्वेज वगैरह का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो भाषा का जो एग्ज़ाम है, वो 20 नवंबर को आपका होने वाला है। क्योंकि इसमें सिंधी हो गया, यहाँ पे बौद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गया, ट्राइबल्स एरिया हो गया, फोल्क डांस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये सारा का जो यहाँ पे, अच्छा इसी में कहीं होगा पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंटरनेशनल सब कुछ यहाँ पे हम पा रहे हैं। यहाँ पे वुमेन स्टडीज़ का, ठीक है, और इकनॉमी का, पंजाबी का। देखिए यहाँ पे जियोग्राफी का नहीं दिख रहा है, जियोग्राफी का यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जियोग्राफी के लिए आप एक बार प्लीज़, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और आराम से इत्मीनान से बैठ के जो जो आपका सब्जेक्ट है उसको आराम से देखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। हिस्ट्री का मैंने बताया तो आपको, हिस्ट्री का तो सामने ही देखिए हिस्ट्री का खुला हुआ है, 29 नवंबर को हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है, सामने खुला हुआ है भैया, देख लिया करो। इंग्लिश का आपको एक आपका दिसंबर को होने वाला है। जियोग्राफी नहीं दिख रहा इसमें यार, ये तो सच में मुसीबत वाली बात है, जियोग्राफी मुझे नहीं दिख रहा। आखिरकार जियोग्राफी गया कहाँ? अब चलिए देखिए, एक और PDF आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम का दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे अब आ गया है। एवरीवन आपका एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे देख लीजिए, 7 जो नेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, बंगाली, कन्नडा। प्लीज़ स्टॉप, एक सेकेंड के लिए आप प्लीज़ अपना वो स्टॉप करो, एक मिनट के लिए प्लीज़ स्टॉप कर दो कमेंट। यहाँ पे देखो, बंगाली हो गया, कन्नड़ा हो गया, होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, और संस्कृत हो गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 15 से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम आपका किया जाएगा, ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और इसका जो है अनाउंसमेंट बहुत जल्द किया जाएगा, ठीक है। 15 से 23 दिसंबर करने की बात चल रही है, और इसका जो है अनाउंसमेंट जाएगा। यहाँ पे देखिए, अनाउंसड शॉर्टली ऑन NTA वेबसाइट, 15 से लेकर के 23 दिसंबर 2021 द एग्जामिनेशन शेड्यूल दिस विल बी अनाउंस शॉर्टली। इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, 7 सब्जेक्ट का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। जो आपका, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बंगाली हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नड़ भाषा हो गया, होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और सोशोलॉजी हो गया, और संस्कृत हो गया। ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ लारविन जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से जा करके ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। यार शेयर तो करना शुरू करो, मात्र 285 लोग, क्या यार, आप 285 हो, इसको 500 में कन्वर्ट करो, शेयर तो करो, शेयर करो वीडियो को, शेयर कीजिए।
ठीक है, तो ये सात जो सब्जेक्ट है इसका एग्जामिनेशन का डेट अभी एनटीए ने जारी नहीं किया है, ठीक है, और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है, और कहा गया है कि UGCNET.NTA.NIC.IN या www.NTA.AC.IN पे बहुत जल्दी ही आप सभी का एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड कब से स्टार्ट होगा इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी से। टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है। एवरीवन, अब इस वीडियो में बस इतना ही, कोई और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अब बात करनी है तो जल्दी से आप लोग बात कर सकते हो। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हमने देख लिए, फाइनली मैं नीचे आ नहीं रहा था, ऊपर ही ढूंढ रहा था, ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ पे 80 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ अभी तक दिया गया है और सीरियल नंबर 80 तक दिया गया है और फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम अब हो रहा है। अच्छी बात यह है कि आप सभी का एग्ज़ाम अब हो रहा है। कॉमर्स पेपर देखिए, सात सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट बंगाली नहीं है, होम साइंस नहीं है, हिंदी नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है और सोशियोलॉजी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला है, ये सब सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आपके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और आपका 20 दिसंबर से एग्ज़ाम जो शुरू होगा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं दिया गया है। हिस्ट्री का मैंने बता दिया साक्षी जी, लेकिन फिर भी आप ये बता रही हैं, तो देखिए हिस्ट्री का है आपका 29 नवंबर को, 29 तारीख का हिस्ट्री को है। सोशियोलॉजी का कब आ रहा है अब ये देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि आज ही आ जाए मिडनाइट तक या कल मॉर्निंग तक आ जाए, तो अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी का तो आ चुका है, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, आप वहाँ जाइए और डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए, पीडीएफ वहाँ से जाइए डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए, कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भैया, सारा सुविधा आप लोगों के लिए दिया गया है। टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, जाइए क्लिक कीजिए, ठीक है, और वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और देखते रहिए सारे सब्जेक्ट जो भी है। ये सात सब्जेक्ट का जैसे ही आएगा आपको वीडियो सबसे फास्ट सबसे तेज अनस्टॉपेबल आईसी के डिग्री में मिल जाएगा, जैसे कि आपको अभी डेट शीट मिला है सबसे फास्ट सबसे तेज अनस्टॉपेबल आईसी एकेडमी पे, वैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का प्लीज़ बताइए, इकोनॉमिक्स देखिए वीडियो लंबा खींच रहा है, इकोनॉमिक्स का आपका 24 नवंबर को है, जिन्होंने भी पूछा हुआ था इकोनॉमिक्स का 14 नवंबर को है, ठीक है। हिंदी का डेट नहीं आया है, यहाँ देखो, देख पा रहे हो, कॉमर्स का डेट आ चुका है, टेलीग्राम पे जाइए डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और वहाँ से देख लीजिए। कम्युनिटी हेल्थ का भी आ चुका है, फिजिकल एजुकेशन का भी आ चुका है, संस्कृत का नहीं आया है, कल से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में कभी भी आ जाएगा। हिस्ट्री ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है, देखिए हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए उसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 कर दिया गया है, ताकि एक बार में बल्क में बहुत सारे बच्चे ना आए। माधवी कृति जी क्या आप कह रही हैं बताइए, शिफ्ट की टाइमिंग अभी मैडम दिया नहीं गया है, भारती जी शिफ्ट का टाइमिंग अभी नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका टाइमिंग आ जाएगा। एजुकेशन का भी आ चुका है, टेलीग्राम में जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए आराम से। हिंदी का भी नहीं आया है, अर्पिता मिश्रा जी हिंदी का नहीं आया है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे सामने ही है, हिंदी का भी नहीं आया है। ये UPSC का क्या बोल रहे थे ज़रा एक बार फिर से वो कीजिएगा, इतने बच्चे हैं, बहुत फास्ट कमेंट जा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एडमिट कार्ड का जहाँ तक बात रहा तो वो एडमिट कार्ड आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं लाइव ही आपको NTA की वेबसाइट पर लेकर चल रहा हूँ, एडमिट कार्ड के रिगार्ड क्या अपडेट है, तो यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ये है कि अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा वो देखिए, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए करना क्या पड़ेगा वो देखिए, एडमिट कार्ड पे आइएगा क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा।
अप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपका ये खुल करके आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्लियरली वर्ड में लिखा गया है एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है जिनका एग्ज़ाम 20 और 21 को है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम 22 को होगा, 23 को होगा, 24 को होगा, 25 को होगा, 26 को होगा, 1 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को होगा, 3 दिसंबर का होगा, जिस दिन भी होगा, उसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, ठीक है, एडमिट कार्ड उनका नहीं आया है, ठीक है एवरीवन, समझ में आया, एडमिट कार्ड आ चुका है, यहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए यहाँ पे और डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए विदाउट कोई झंझट। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट शीट, ठीक है, दोनों एक साथ आएगा तो दोनों एक साथ ही आ गया, दोनों एक साथ ही आ गया। इनवैलिड इसलिए बता रहा है आपका सब्जेक्ट, देखिए जिनका भी सब्जेक्ट वो नहीं होगा जो जो मैंने आपको बताया है, पहले बात कि आप अपना सब्जेक्ट कोड देखिए, ठीक है, कि आपका 21 को 20 और 21 को एग्ज़ाम है या नहीं है। ज्योग्राफी का भी नहीं आया है, मयंक मिश्रा जी ज्योग्राफी का भी नहीं आया है, कल से लेकर के 18 के बीच में वो लोग डालेंगे कि उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम 20 और 21 को होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 20 और 21 को जिनका एग्ज़ाम होगा उन्हीं का डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। पॉलिटिका मैंने बता दिया है, आप गीता जी देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। कम्युनिटी हेल्थ, देखिए कम्युनिटी हेल्थ का तो मुझे जहाँ तक रिजल्ट बिल, देखिए एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट के ऊपर हम जहाँ तक मेरे से पूछ रहे हैं तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, देन हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट जनवरी में आ रहा है या आपका फरवरी में आ रहा है, कब आ रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम आपका 20 को है और 21 दिसंबर को हो, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, कंग्रेचुलेशन, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट है हमारा, जो 188 बच्चे ज्वाइन किए हैं इन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों से बस मेरा इतना आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है भूपेंद्र जी, दो शिफ्ट में होगा, टाइमिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और सबमिट कीजिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है टाइमिंग आपका 8 बजे से होगा, टेलीग्राम पे है, ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, एग्ज़ाम डेट शीट भी आ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, अब इजाज़त दिया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी को देखते रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड का टाइमिंग, एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनका एग्ज़ाम आपका 20 और 21 नवंबर को है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, खुश रहिए। अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देश के लिए और समाज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।